कंगना ने अध्ययन को थप्पड़ मारा, वेल ऐसे बेबी जैसे बिहेव करेंगे तो मम्मी की तरह थप्पड़ मार ही देगा। वैसे ही चित्रांगदा बेचारी हालात की मारी हैं। पहले तो उनकी रिलेशनशिप उनके गॉडफादर सुधीर मिश्रा के साथ खराब हो गई एंड नाउ सलमान के साथ पंगा। इस का की लाइफ में की हो सकती है का नहीं। अब सलमान बने ही थे चित्रांगदा के नए गॉडफादर कि चित्रांगदा रिजेक्टेड सलमान्स ब्रदर। ओ ओ, स्टार चमचे समझते हैं खुद को बॉडीगार्ड के बदले स्टार। इट्स टाइम फॉर योर इंस्टेंट ग्लैमर डोज बिकॉज यू आर वॉचिंग कट इट विद मी सिमी चंदुक। चित्रांगदा और सलमान की दोस्ती में आया नया ट्विस्ट, दैट टू अ कॉन्फ्लिक्ट। शायद चित्रांगदा ने अब कर दिया है सलमान को नाराज। हियर्स मोर ऑन दिस ब्रूइंग कॉन्फ्लिक्ट। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह का करियर ऑलरेडी वेंटिलेटर पर था और अब सलमान के साथ पंगा लेकर उन्होंने अपना करियर कोमा में डाल दिया है। दैट्स द फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट ब्रूइंग दिस वीक। हियर इज एन अपडेट। इस चित्रांगदास करियर, इस चित्रांगदास लाइफ, इस चित्रांगदास चॉइस, तो अगर वो किसी हीरो के लिए मना कर रही हैं, शी इज प्रॉब्ली थिंकिंग बेस्ट फॉर हर करियर। इज दैट वर्किंग अगेंस्ट हर? यस, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। सलमान के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए चित्रांगदा सिंह ने क्या कुछ नहीं किया। सलमान के हाथों से बनाए हुए पेंटिंग अपने घर के दीवारों पर सजाए, उनके फार्म हाउस पर जाकर हॉर्स राइडिंग की, सलमान के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई। लेकिन जब उनके करियर की नैया पार लगने ही वाली थी, उन्होंने अपनी ही बोट में एक होल बना दिया बाय रिफ्यूजिंग टू एक्ट विद सलमान्स ब्रदर अरबाज खान। Yes, apparently चित्रांगदा को तनु वेड्स मनु के फाइनेंसर ने अप्रोच किया विद अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। चित्रांगदा को स्टोरी बेहद अच्छी लगी और उन्होंने हामी भर दी इस सजेशन के साथ कि उनके ऑपोजिट हीरो रणदीप हुडा को कास्ट किया जाए। The entire unit started working on the pre-production and चित्रांगदा को इन्फॉर्म किया गया कि फिल्म इज रेडी टू गो ऑन द फ्लोर एंड द हीरो इज नॉट रणदीप But the handsome अरबाज खान। लेकिन अरबाज खान का नाम सुनते ही चित्रांगदा के तोते उड़ गए। She started avoiding the filmmakers. क्या चित्रांगदा को अरबाज के साथ मूवी करने से मना करना चाहिए था? That's completely her choice. Is this going to upset सलमान? Yes, most likely. Reportedly, filmmakers ने कहा कि डेट इश्यूज की वजह से चित्रांगदा won't be doing this film. पर सच्चाई तो यही है कि चित्रा is avoiding being paired with अरबाज। शायद चित्रांगदा भूल गई है कि सलमान के भाई को रिजेक्ट करना मतलब सलमान को रिजेक्ट करने के बराबर है। अपेरेंटली प्रियंका चोपड़ा ने जब सलमान के भाई सोहेल की फिल्म मैं और मिसेस खन्ना को रिफ्यूज किया था, तब सलमान ने उन्हें लंबे समय के लिए कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट दिया था। अब देखना ये है कि सलमान चित्रांगदा को क्या पनिशमेंट देंगे। वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट। वैसे ही चित्रांगदा बेचारी हालात की मारी हैं। पहले तो उनकी रिलेशनशिप उनके गॉडफादर सुधीर मिश्रा के साथ खराब हो गई एंड शी हैड टू पे द प्राइस एंड नाउ सलमान के साथ पंगा। बहती कंगना उब्स गंगा में हाथ धोने वाले बॉलीवुड में बहुत है। इस स्टार वॉर में जबरदस्ती घुस रहे वॉनबीज के लिए वी हैव वन थिंग टू से, जस्ट कट इट। अब कंगना के एक्स लवर्स में छिड़ी वॉर एंड नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हर सिली एक्स। I don't think this is about Kangana's ex-lovers fighting over her. Itna pyar to unke dilon mein tha hi nahi, whether it's Adhyan or Aditya Pancholi. But yes, it is definitely a case of Adhyan trying to get publicity. Kabhi Ritik ka naam, kabhi Kangana ka naam, to kabhi Aditya ka naam. Wah, kya strategy thi, lekin fail ho gayi.
वेलकम टू द सर्कस फोक्स। अब ऋतिक कंगना के लव हेट स्टोरी में अध्ययन सुमन और आदित्य पंचोली की एंट्री हुई। अध्ययन कंगना और ऋतिक के गर्मा गर्म कॉन्ट्रोवर्सी से अपनी पब्लिसिटी की रोटियां सेक रहा है। अध्ययन ने तो रिडिकुलस स्टेटमेंट्स दी है जो कि फैंटेसी हॉरर फिल्म से कम नहीं, और आदित्य पंचोली और अध्ययन दोनों एक्स बॉयफ्रेंड्स के बीच शुरू हुआ कंगना को लेकर तमाशा। अध्ययन ये सब किस लिए कर रहे हैं भाई? पब्लिसिटी के लिए और क्या, और ऐसे चीप एटीट्यूड के लिए हम कहते हैं जस्ट कट इट। ऋतिक कंगना के बिटर सागा में अध्ययन का कहना है कि कंगना इज टू ब्लेम बिकॉज शी इज अ साइको हु प्रैक्टिसेस ब्लैक मैजिक। अध्ययन का कहना है कि कंगना उन्हें मंत्र तंत्र करने को कहती थी, आधी रात को स्मशान में जाकर चैंट करने को कहती थी, और दूसरे स्टेटमेंट में खुद को कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं ये कहकर कि मेरे घर के पंडित जी ने मुझे कहा है कि कंगना अपना गंदा खून मेरे खाने में मिलाती थी ताकि ब्लैक मैजिक कर सके। यहाँ पर मैं कहूंगी कि जितना अध्ययन का कसूर है उससे थोड़ा सा कम मीडिया का भी है। Why give importance and why talk and print about stuff like black magic? You know, ये सब superstitions होती हैं, और अगर उन्हें यकीन भी है कि ये सब सच है, या कंगना ने शायद ये सब चीजों में बिलीव करके किया भी, should we really be talking about all this rubbish and encouraging other people to get into it? I don't think so. अध्ययन ब्लेम्स कंगना फॉर हिज फ्लॉप करियर। ओह कम ऑन अध्ययन, आपकी फिल्म्स कंगना के ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं, पर आपके बैड एक्टिंग की वजह से नहीं चली होंगी। सो जस्ट कर इट। Seriously, but Adhyan blaming Kangana for his career flopping? Oh my God, is it black magic or is it Kangana, Adhyan? अध्ययन क्लेम्स कि कंगना ने एक बार नहीं दो बार उन्हें थप्पड़ मारा और कई बार उन्हें अब्यूज भी किया, फिर भी वो अगले दिन कंगना के लिए फूल लाए, उन्हें सॉरी कहा। अरे रे कम ऑन अध्ययन, अगर आपको किसी ने गाली दी और आपको छापड़ मारा और फिर भी आप एक क्यूट इनोसेंट पपी की तरह उसके पास दुम हिलाकर वापस गए, तो फॉल्ट किसका है, छापड़ मारने वाले का या आपका? सो जस्ट कर इट। कंगना ने अध्ययन को थप्पड़ मारा, वेल ऐसे बेबी जैसे बिहेव करेंगे तो बाबा अध्ययन तुम्हें कोई भी छोटा बेबी समझ के मम्मी की तरह थप्पड़ मार ही देगा। ट्रोल्स ने भी तो बहुत जोर से थप्पड़ मारा। अध्ययन तो ये भी क्लेम करते हैं कि जब उनके डैड ने उन्हें 1 करोड़ की कार गिफ्ट की तो कंगना ने उन्हें अब्यूसिव लैंग्वेज में कहा, अच्छा तुम्हें एक्सपेंसिव कार गिफ्ट में मिली। स्टोरी काफी इंट्रीगिंग है और काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग भी। वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि उनके डैड ने जब उनको 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट दी तो कंगना वॉज वेरी जेलस, एंड व्हाट डिड कंगना डू, शी वेंट एंड साइंड अ मूवी इन हैदराबाद अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू अध्ययन सो दैट शी कुड बाय अ सिमिलर कार। वैसे व्हाट डज इट से अबाउट यू अध्ययन, एंड व्हाट डज इट से अबाउट कंगना, दैट यू डिपेंड ऑन डैडी डियरेस्ट, एंड कंगना इज सेल्फ मेड, शी वर्क्ड हार्ड एंड वेंट एंड साइंड अ फिल्म दैट शी रियली वाजंट कीन ऑन टू बी एबल टू बाय द कार। नाउ दैट काइंड ऑफ वर्क्स इन कंगनास फेवर। अध्ययन बैकफायर हो रही है कहानी। According to Adhyan, Kangana loved him one day, abused him the next day. Ek din Kangana ne unhe kaha ki it's over, I don't want to meet you anymore. Tab Adhyan ne dad Shekhar Suman ki help li to patch up with his girlfriend. अध्ययन एक बार कंगना के घर के बाहर 5 घंटे रुके थे तो डैड ने अपेरेंटली तब भी इंटरवीन किया था, और अब भी इवन अध्ययन इज गेटिंग ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया अबाउट व्हाट ही हैज सेड एंड वेदर ही शुड हैव रिवील्ड ऑल दिस। हु हैज कम टू हिज रेस्क्यू? डैडी। अगर आप 5 घंटे कंगना के घर के बाहर खड़े थे तो डेस्परेट साइको कौन हुआ, आप या वो? सो जस्ट कर इट। We should not be judging Adhyayan here कि ये बात जो वो कह रहे हैं सच है या नहीं, उन्हें थप्पड़ पड़ा या नहीं, हो सकता है पड़ा होगा, हो सकता है it was a bad relationship, but you know seriously 7 साल चुप होने के बाद even when Ritik decided to go ahead with this, Adhyayan was quiet for a very very long time. Isn't that weird the timing when he decided to speak up? इसी स्टोरी के दूसरे कॉमेडियन आदित्य पंचोली का नाम अध्ययन ने लिया ये कहकर कि he tried to warn me about Kangana from time to time saying welcome to the circus, लेकिन आदित्य पंचोली ने तो ये साफ डिनाई कर दिया। उन्होंने ये तक कहा कि who is अध्ययन, get him here, उसे यहाँ बुलाओ, यानी वो शायद अध्ययन को कंगना की तरह अब्यूज करना चाहते थे या फिर कंगना ने उन्हें भी कुछ खिला दिया होगा। सो जस्ट कर इट।
अध्ययन ने जब आदित्य पंचोली का नाम ड्रैग किया, पहली बात तो आदित्य ने डिनाई किया एंड ही ऑल्सो प्रेज्ड कंगना. वाओ, आदित्य हैज इमर्ज द हीरो थैंक्स टू अध्ययन. वरुण एंड अर्जुन किसिंग ईच अदर, वहीं रणवीर कैसे हिंट ड्रॉप कर रहे थे. व्हाट्स ऑल दिस वी आर टॉकिंग अबाउट, चेक इट आउट ऑन स्नैप दैट. स्टार्स पब्लिक में हमेशा अपने बेस्ट बिहेवियर पर होते हैं, पर गिव देम अ चांस एंड दे लेट देयर हेड डाउन. ऑन स्नैप दैट हम यही तो करते हैं, उनकी नॉटी फोटोज को आपके सामने लाते हैं. चेक आउट आवर स्टार्स एट देयर शरारती बेस्ट. रणवीर क्या हिंट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टी शर्ट पर ही लिखा है 69. व्हाट एग्जैक्टली इज रणवीर हिंटिंग एट? योर गेस इज एज गुड एज माइन. इनफैक्ट रणवीर के फॉलोअर्स ने भी ऐसा नंबर देखकर नॉटी कमेंट्स पोस्ट कर डाले. रणवीर वेयरिंग द नंबर शर्ट, अब ये रणवीर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ही इज सो क्यूट एंड नॉटी. अर्जुन कपूर बीइंग किस्ड बाय वरुण, कैप्शन लेट द लव फ्लो. अर्जुन कपूर की फीमेल फैन फॉलोइंग जबरदस्त है एंड दिस टाइम दे आर गोइंग टू बी जेलस ऑफ वरुण धवन, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को स्मॉदर किया है विद अ वेरी वेरी इम्पल्सिव चुम्मा जस्ट टू शो हिज ब्रदरहुड. पर अर्जुन ने तो लिखा है कि वरुण धवन इज ऑलवेज गोइंग ओवर द टॉप इन हिज अफेक्शन. वैसे इस मेल बॉन्डिंग की प्यार मोहब्बत को आजकल बॉलीवुड वाले ब्रोमांस कहते हैं. अर्जुन और रणवीर का ब्रोमांस तो पुराना है, और किसी रणवीर सपोर्टर ने ये तक लिख दिया कि रणवीर वाला मजा नहीं आया होगा. गर्ल्स गेटिंग हार्ट ब्रोकन अबाउट वरुण धवन किसिंग अर्जुन कपूर, ओह दे शुड बी वरिंग. वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये जो का है ना, यानी कि वरुण धवन, वो का से प्यार नहीं करते, वो कीज को ही पसंद करते हैं. परिणीति एंड आलिया आर इन अ नॉटी मूड जब शाहरुख का बेटा अबराम सो रहा है, तो ये ब्यूटीज अपना चार्म शाहरुख पर बिखेर रही थी, और परिणीति ने इस लवेबल पैक को जस्टिफाई भी किया है ये लिखकर कि मजबूरी है, अबराम सो रहा था, कहीं तो प्यार स्पिल ओवर होगा. आफ्टर ऑल द किंग ऑफ रोमांस के साथ फ्लर्ट करने का ऑफिशियल मौका कौन छोड़ना चाहेगा. Cute picture, Alia and Pariniti kissing Shahrukh Khan. Question is Shahrukh Khan lucky getting those two pecks or are the girls lucky? I would say it's definitely the girls lucking out. Who wouldn't want to kiss Shahrukh Khan? Pariniti bunny dancing star at a businessman's wedding. Apparently, Turkey mein Pariniti ek businessman ke bete ki shaadi mein gayi thi and she had a blast. Here is a photo saying, Turkey inspires me and we guess it also fills up your bank account. Cheers to your success, Pariniti. Pariniti posted such a chilled out picture looking nice and slim in that pink dress. But hey, she mentioned Istanbul, लेकिन ये तो नहीं बताया कि वो वहाँ पर एक शादी पे डांस करने गई थी. क्यूटी वरुण ने अपने डाई हार्ट फैन के साथ पहले फोटो खींची थी जब वो मोटे थे, और 10 महीने बाद इस फैन ने 20 किलो वजन घटाया और वरुण ने अपना वादा निभाया by posing with him and even posting the picture. I say this on my show all the time and trolls मुझे attack करते हैं, but यही difference है वरुण में और दूसरे young stars में. He connects with his fans on a personal level. For him to go and post a picture on Instagram with his fan, not once but twice, आप खुद ही decide कर लो. क्यों स्टार्स के चमचे ये समझ लेते हैं कि वो सुपरस्टार हैं और उनके स्टार बॉस है सिस्टर. स्टार चमचा बड़ा के स्टार. अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड ने फिर एक बार की है बदतमीजी. दिस इज नाउ बिकम अ रेगुलर फीचर. स्टार्स से ज्यादा उनके बॉडीगार्ड्स खुद को समझने लगते हैं सुपरस्टार्स और उतर आते हैं हाथापाई पर. ओवर एंथुजियाज्म में स्टार के बॉडीगार्ड्स कर देते हैं उनके फैंस को नाराज और कर देते हैं स्टार के ब्रांड वैल्यू को कम. हियर इज अ फुल रिपोर्ट ऑन अ कट इट स्पेशल. प्रॉब्लम वही है कि स्टार बॉडीगार्ड्स दे स्टार्ट बिहेविंग एंड इमेजिनिंग दैट दे आर द स्टार. कुछ दिन पहले की बात है, अक्षय कुमार एयरपोर्ट पर थे व्हेन एन एंथुसियास्टिक यंग फैन वांटेड टू टेक अ सेल्फी, लेकिन सेल्फी की जगह उसे मिला एक सॉलिड पंच फ्रॉम अक्षय कुमार्स ओवर स्मार्ट बॉडीगार्ड.
बट सोचने की बात यहाँ पर ये है कि स्टार्स आर पेइंग लैक्स टू देयर बॉडीगार्ड्स, तो क्या बॉडीगार्ड्स अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं. दे नीड टू चेंज दिस अबाउट देयर बॉडीगार्ड्स. जोरदार मुक्का मारने के बाद बॉडीगार्ड ने ऐसे एक्टिंग की जैसे कुछ हुआ ही नहीं. अक्षय को हड़बड़ी में कुछ समझ नहीं आया और दो दिन बाद जब वीडियो वायरल हुआ तब अक्षय ने ट्विटर पर फैन से माफी मांगी. Of course, when bodyguards misbehave, unfortunately the star is paying the price. आप खुद ही सोच लो अक्षय के लिए कितना awkward हो गया. अक्षय had to apologize for what his bodyguard did. इससे पहले भी खिलाड़ी कुमार के बॉडीगार्ड ने ऐसे स्टंट्स किए हैं. पिछली बार एक डेंटिस्ट को अक्षय के बॉडीगार्ड ने ऐसा पीट दिया कि उनके सारे दांत हिल गए और उस डेंटिस्ट फैन ने बॉडीगार्ड के खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेन की. थिंक अबाउट इट, फैंस कई बार परेशान करते हैं स्टार्स को, वो उन्हें हाउंड करते हैं, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, बट उनके बॉडीगार्ड्स तो उनके किए कराए पे पूरा पानी फेर देते हैं. The point is, क्या अक्षय कुमार ने गुंडे पाल रखे हैं या बॉडीगार्ड? Why do these bodyguards always cross their limits? Stars अपनी प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड्स को लाखों दे रहे हैं, उनकी इमेज बिगाड़ने के लिए नहीं. अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड की तरह सलमान के बॉडीगार्ड ने भी सभी हदें पार कर दी. जब सलमान एक क्रिकेट इवेंट पर ऑडिटोरियम में एंट्री ले रहे थे तब सभी फैंस उनको देखने के लिए एक्साइटेड थे. एक फैन सलमान की फोटो खींच रहा था तब विदाउट एनी वार्निंग और प्रोवोकेशन सलमान के बॉडीगार्ड ने उसे इस तरह धक्का दिया कि वो बेचारा फैन टेबल पर गिर गया. ही जस्ट डिडन्ट स्टॉप देयर. पास में बैठे लंच कर रहे कुछ लोगों को सलमान के बॉडीगार्ड ने खाने के टेबल से उठाया ये कहकर कि उस टेबल पर सलमान बैठेंगे. क्या सलमान के बॉडीगार्ड को ऐसा करने का हक है? In fact, सलमान जिनके बॉडीगार्ड ने शायद ऐसे कुछ किया है, has सलमान ever misbehaved with his fans? I don't think so. बॉडीगार्ड्स अपने हद में रहें ये तो स्टार्स की जिम्मेदारी है. After all, स्टार का एंटूराज उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. We hope that such cheap incidents do not occur in the future. क्योंकि स्टार्स ने भूलना नहीं चाहिए कि फैंस हैं, इसीलिए तो वो स्टार हैं. शायद स्टार्स के बॉडीगार्ड स्टार्स के इर्द गिर्द घूमकर अपने आप को स्टार समझने लगते हैं एंड इन द बागेन वो मिसबिहेव करने लगते हैं. When Zayd saw an attractive girl and wanted to flirt, उन्होंने क्या किया? खुद तो कर रहे हैं फ्लर्टिंग की बातें और दूसरों को भी सिखा रहे हैं. Here is Zayd as our person of the week, यानी कि पाव वाव. You know, मैं एक गाड़ी में बैठा था और गाड़ी के एकदम बगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी वहाँ पे और मुझे यार इशारा करनी थी उनके को यार यू नो आई थिंक आई फाइंड यू अट्रैक्टिव और वो भी उस तरफ से इशारा किए लेकिन यू नो मैं फ़ोन पे गया. देर वॉज नो काइंड ऑफ सिचुएशन यू नो सोल्यूशन के यू नो हाउ कैन आई गेट इन टच विद हाउ कैन आई सेंड हर समथिंग. अ गुड आइडिया एंड अ गुड ऐप कम्स फ्रॉम अ गुड आइडिया यू नो एंड समथिंग दैट्स देर इज अ प्रॉब्लम फॉर. And we understand as Indians that most of us have had these situations in our life where we've just not been able to go up to a person and break the ice. So this app really solves that. So if you have this app and you're on this app and you're on social media, you know, you can instantaneously find this person who's nearby you. This we want, we invite everybody. We invite people who are 14 to 30 to 40 or probably, you know, people who've just been shy all their life and it's about time not to be shy. You know, just go and break the ice and make it all happen for yourself. आइडिया अच्छा लगा ना. जायद खान तो ये कह रहे हैं 14 टू 40 जस्ट गेट फ्लर्टी और डिड ही जस्ट से 50. दिस इट फॉर नाउ. इफ यू'd लाइक टू नो हाउ द रिच एंड फेमस पार्टी यू कैन सी द गुड लाइफ बाय फॉलोइंग मी सिमी चंदोक ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर एंड स्नैपचैट. सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. अंटिल देन लेट्स कट इट. कट इट.